तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JD कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आते हैं न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए यहाँ से सब्सक्राइब, और कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, तो बात करेंगे दोस्तों आज हम रेलवे भर्ती बोर्ड के अंतर्गत। दोस्तों यहाँ पर फाइनली एडमिट कार्ड डाउनलोड होना हो गया है शुरू उन कैंडिडेट का जिनका पेपर है 28 तारीख को, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि एडमिट कार्ड 4 दिन पहले ही डाउनलोड हो रहे हैं। यदि आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर वो वाला वीडियो देख सकते हैं, और अपना यदि भूल चुके हैं एडमिट कार्ड का जानकारी, यदि दोस्तों आप अपना एडमिट कार्ड या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जानना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो हमारा देख लीजिए। उसमें मैंने आपको बताया किस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरगेट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपना पा सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई डाउट होता है तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया है, 24 आवर्स के लिए ये आपको चालू रहेगा। 182 पर यहाँ पर कॉल करके देख लीजिए यदि लग जाए और आपकी समस्या का निदान हो जाए तो। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बताएंगे, साथ ही दोस्तों इससे संबंधित सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकती हैं और चेकआउट कर सकती हैं। आपको यहां पर जाना है, और दोस्तों यहां पर आपके लिए जो चीज़ें दी गई हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ पर आपके लिए पंजीकरण संख्या डालना है, और यहाँ पर पासवर्ड में दोस्तों यहाँ पर आपको डालना है डेट ऑफ बर्थ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन करके, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हम रजिस्ट्रेशन फॉरगेट करके या चेकआउट करके या चेक करके या देख के यहाँ पर हम इसको फिल करते हैं, और फिल करने के बाद दोस्तों इसको करते हैं हम लॉगिन करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस में दोस्तों यहाँ पर शहर की सूचना पर्ची, जो कि आपको पहले ही यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, कब आपका पेपर है, कौन सी डेट में है, कितना टाइमिंग दिया जाएगा, कौन सी शिफ्ट में है आपका। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ई कॉल लेटर पर आपको करना है क्लिक। क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ आपका पेपर है वो आपको यहाँ पर सेट चेकआउट हो जाएगा सामने। आप यहां पर देख सकती हैं, और यहां पर आप एग्जाम डेट भी देख सकते हैं, 28/12 10:30 बजे से 12 बजे तक आपका पेपर रहेगा। ई कॉल लेटर करेंगे हम यहां पर डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास एक PDF डाउनलोड हो जाएगी, जिसको करते हैं हम थोड़ा सा जूम, और जूम करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको सारी जानकारी बता देते हैं, कन्फर्मेशन करा देते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए जो आपका पेपर है, पेपर की शिफ्ट देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर 28 तारीख को आपका पेपर है, शिफ्ट फर्स्ट है, सुबह 9 बजे का आपका रिपोर्टिंग टाइम है, हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी मीडियम में आपकी परीक्षा होगी। एग्जाम सेंटर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर IES कॉलेज एग्जाम सेंटर आपको दिया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप बात करें बाकी में, तो दोस्तों यहाँ पर एजेंट सेम रहेगा आपका, ऊपर का इतना जो ऊपर का जो लेटर रहता है वो आपको फाड़ के यहाँ पर आपको वापस दिया जाता है। यहाँ पर उम्मीदवार को करना है साइन, और यहाँ पर वही साइन करना है केंद्र पर ही, केंद्र के वहाँ पर ही आपको भरना है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो आपने ये फोटो लगाया है वही फोटो आपको यहाँ पर लगाना है। आवेदन करते समय जैसा फोटो अपलोड किया वैसा फोटो चिपकाना है आपको यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखें, आपके लिए ये जो दिया गया है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित घोषणा की प्रतिलिपि अनुवीक्षक की उपस्थिति में अपनी हस्तलेख ब्लॉक अक्षर में नहीं लिखें। जी हाँ दोस्तों, इसको आप समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको बिल्कुल सिंपली तरीके से क्लियर कर देता हूँ। आपको वहीं लिखना है जब आप एग्जाम सेंटर में पहुँच जाएंगे, आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको एक मैटर दिखाई देगा, वो आपको यहाँ पर लिखना है। इतनी लाइनों में वो मैटर आपको स्वयं वहीं आपको लिखना है। किसी भी आप ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से आप लिख सकते हैं, और ध्यान रखें आपको कैपिटल लेटर्स में, यदि इंग्लिश में आता है तो आपको कैपिटल लेटर्स में वर्ड नहीं लिखना है। पहला वर्ड आप कैपिटल में लिख सकते हैं, बाकी सारा लेटर आपको इंग्लिश में नहीं लिखना है कैपिटल लेटर्स में। हो सकता है हिंदी या इंग्लिश में आए, लेकिन यदि इंग्लिश में आता है तो आपको, जैसे कि ये दिया गया है सेल्फ डिक्लेरेशन आई रीड द अंडररेड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ये गलत है दोस्तों। यहाँ पर आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, आपकी जैसी भी लैंग्वेज हो स्मॉल लेटर में वो ही आपको लिखना है, ब्लॉक अक्षर में नहीं लिखे। यहाँ पर ध्यान रखें इस चीज़ का, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर कर देते हैं गलती। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर घोषणा देना है, मैं COVID-19 से संबंधित विशेष निर्देश को पढ़ा और समझा, इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरे द्वारा COVID-19 संबंधित लक्षण नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए जो आपको जरूरी है, उम्मीदवार के दाहिने अंगूठे की छाप आपको यहाँ पर
राइट हैंड का फिंगरप्रिंट का जो थंब है, अंगूठा का निशान है, वो आपको लगाना है। यहाँ पर उम्मीदवार की दाहिने अंगूठे की दूसरी छाप, तो यहाँ पर दूसरा लगाना है आपको, वही दाहिने हाथ का अंगूठा का, दो जगह आपको यहाँ पर लगाना है अंगूठी का निशान। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर साइन करना है, और यहाँ पर जो आपके इन्विजिलेटर रहेंगे उनके यहाँ पर साइन रहेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैंने संलग्न निर्देश और घोषणा अनुवेक्षक की उपस्थिति में ही भर दिया है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहीं करना है एग्जाम सेंटर पर। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर बाकी जानकारी में, तो बाकी जानकारी भी दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं। बाकी जानकारी में दोस्तों यहाँ पर आपको जो जानकारी मिलेगी वो आप देख लीजिए एग्जाम से संबंधित। तो उम्मीदवारों के लिए जो अनुदेश है, कृपया ध्यान दें और पढ़े हुए अनुपालन जरूर करें। उम्मीदवार को इक्वल लेटर, कोविड-19 स्वयं घोषणा, फोटोग्राफ, मूल पहचान पत्र और फेस मास्क के साथ परीक्षा में शामिल होने की अनुमति होगी। तो आपको इक्वल लेटर ले जाना है, कोविड-19 का स्वयं घोषणा पत्र जो कि आपको नीचे दिया गया है वो ले जाना है, फोटोग्राफ लगा के जाना है, मूल फोटो पहचान पत्र एवं फेस मास्क के साथ परीक्षा में शामिल होने की अनुमति आपको दी जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों आपके एग्जाम की, तो सुबह की शिफ्ट जो रहेगी वो शिफ्ट है यहाँ पर 9 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, 10 बजे गेट बंद हो जाएगा, तो 9 से 10 के बीच में आपको हर हाल में पहुँचना है। 10:30 बजे से आपका एग्जाम रहेगा। इसी तरीके से जो सेकेंड शिफ्ट वाले हैं वो 1:30 बजे से रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, 2:30 बजे से आपका दोस्तों यहाँ पर गेट बंद हो जाएगा, 3 बजे से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर बाकी की, तो सभी कैंडिडेटों के लिए सलाह दी जाती है कि वो परीक्षा स्थल पर कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचे, और साथ ही दोस्तों आपको कम से कम एक मूल एवं वैध फोटो पहचान पत्र लेके जाना है। फोटो कॉपी ध्यान रखें, यहाँ पर पहचान पत्र की फोटो कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि अपने आइडेंटिटी प्रूफ की फोटो कॉपी ले जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर फोटो कॉपी आपकी नहीं चलेगी, तो इसलिए ध्यान रखें आप ओरिजिनल कम से कम 2 आईडी प्रूफ जरूर लेके जाएं, जैसे कि यहां पर आप ले जा सकते हैं। और यहां पर वैध में जैसे कि यहां पर उन्होंने बिल्कुल साफ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि फोटो कॉपी नहीं चलेगी, स्कैन कॉपी नहीं चलेगी, एक्सपायर्ड दस्तावेज भी नहीं चलेंगे जिनकी डेट निकल चुकी हो। जैसे कि दोस्तों आपको लेके जाना है वोटर आईडी, आधार कार्ड जो कि आपका ओरिजिनल हो, प्रिंटेड हो, ई आधार मुद्रित प्रतिलिपि भी यहाँ पर मान्य हो जाएगी, तो लेकिन ध्यान रखें फोटो कॉपी नहीं होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, उम्मीदवार एक सरकारी कर्मचारी है तो नियुक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पहचान पत्र, SSLC पहचान पत्र या HSC अंक तालिका जिसमें फोटो आपकी जरूर लिखी हो। इसके अलावा दोस्तों आप यहां पर और अच्छी से रीड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर मेन थी वो मैंने आपको बता दिया है, ध्यान रखें इस चीज़ का। ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेके जाना है जो कि यहाँ पर आपको दिए गए। उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र के अंदर कोई पेन पेंसिल नहीं लेनी चाहिए, परीक्षा के दौरान उम्मीदवार को पेन प्रदान किया जाएगा, तो यहाँ पर आपको पेन भी नहीं लेके जाना है जो यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं उम्मीदवार आवेदन भरने के समय अंग्रेजी भाषा में चुने गए भाषा के प्रश्न पत्र देख सकते हैं। यदि अंग्रेजी भाषा को चुना जाता है तो प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में देखा जा सकता है, जो किसी भी भाषा में प्रश्न सामग्री में किसी भी बात पर कोई अंग्रेजी संकरण प्रबल रहेगा, तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखें, गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 की अंक की कटौती होगी, तो ध्यान रखें क्वेश्चन करते समय, प्रश्न करते समय, आंसर देते समय आपका यहाँ पर माइनस मार्किंग रहेगी जो कि रहेगी 1/3 की, तो दोस्तों यहाँ पर 1/3 की आपकी माइनस मार्किंग रहेगी। बाकी आप यहाँ पर देख लीजिए, यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगी आपकी लॉगिन पेज पर, लॉगिन पेज पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट देने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बाकी एक चीज और ध्यान है, रफ कार्य के लिए कि दी गई रफ सीट, उम्मीदवार को अपना नाम एवं अनुक्रमांक संख्या उल्लिखित करना होगा और यह रफ सीट परीक्षा के बाद वापस करनी होगी, तो ध्यान रखें दोस्तों यहाँ पर जो आपको रफ सीट मिले वो आपको वापस लेके नहीं आना है, वहीं आपको जमा करके आना है। और यहां पर आपके लिए परीक्षा के लिए उम्मीदवार को खुद की यात्रा आवास की व्यवस्था करना पड़ेगी, कोई TADA आपको या बाकी आपको फैसिलिटी नहीं दी जाएंगी आने जाने की। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर बाकी भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि आप यहां पर एक बार जरूर रीड कर लीजिए। साथ ही दोस्तों यहां पर जो फिजिकल हैंडीकैप ने स्क्राइबर हैं वो यहां पर उनकी जानकारी दी गई है, तो वो भी आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों यहां पर दिया गया है रेलवे ने बहुत अच्छे से दलाल ब्रोकर जॉब रिकॉर्ड से सावधान रह गए, केवल मेरिट ही आपको रेलवे में नौकरी दिला सकता है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से और JD कंप्यूटर की ओर से सभी उम्मीदवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर डिक्लेरेशन की,
सीट डिक्लेरेशन में दोस्तों यहाँ पर आप कैंडिडेट का नाम दिया गया है, जानकारी दी गई है कोविड-19 से, और यहाँ पर दिया गया मैं घोषणा करता हूँ या प्रमाणित करता हूँ कि पिछले 14 दिन में कोविड-19 की जांच पॉजिटिव नहीं पाया गया, मुझे कोविड-19 वायरस से संभावित प्रभाव से कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर करना है। यहाँ पर आपको कैंडिडेट को साइन करना है, जो कि यहाँ पर आप देख लीजिए, स्थान लिखना है, प्लेस लिखना है और तारीख एवं समय देना है जब आप पेपर देने जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको भी पढ़ने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, सारी जानकारी जो कि आप यहां पर ले जा सकते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख लीजिए, रूमाल है, टिश्यू पेपर है, वो आप ले जा सकते हैं। मास्क आपको लेके जाना पड़ेगा, फेस मास्क का समय पहनना पड़ेगा। फोटो कैप्चरिंग के समय ही आपको यहां पर मास्क उतारना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर परीक्षा से भीड़ से बचें, सारी जानकारी दोस्तों आपको यहाँ पर दी गई है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, तो दोस्तों यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और यहाँ पर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ भी मैं गवर्नमेंट जॉब संबंधित, डेली करंट अफेयर संबंधित, डेली न्यूज संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको यहां पर प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।